थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने 71 में फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया पूना में, एक्टिंग कोर्स। गाना मैं सीखता था बचपन से, गाने का शौक था मुझे। तो 72 में मेरे फादर जो थे वो राशि प्रोडक्शंस में थे, उससे पहले वो शांताराम जी के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे। तो उनके एक फ्रेंड थे मिस्टर वीपी साठे, बॉम्बे पब्लिसिटी के नाम से उनकी पब्लिसिटी कंसर्न थी, और वो और के अब्बास राज कपूर साहब के लिए जॉइंट स्क्रिप्ट लिखते थे। पुरानी फिल्में आप देखें राज साहब की, तो स्क्रिप्ट बाय के अब्बास एंड वीपी साठे होता था। तो उनको पता था कि मैं गाना गाता हूँ, गाना सीख रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे फादर से कहा कि भाई राज साहब को नई आवाज़ चाहिए, ही इज़ लॉन्चिंग हिज सन ऋषि कपूर एज अ हीरो, तो तुम शैलेंद्र को पूना से बुला लो यहाँ पर। तो मैं आ गया पूना और वो मुझे ले गया राज साहब के। राज साहब मेरी आवाज़ सुनी, मेरे गाने सुने, उन दिनों में गज़लें गाता था। तो मैं और मेरे गुरु और एक साथ में तबला बजाते थे, हम तीनों गए आर के स्टूडियोज़, वहाँ मैंने कुछ गाने सुनाए। उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारी वॉइस टेस्ट लेते हैं। ये एक अलाउद्दीन खान, उनके जो चीफ रिकॉर्डिस्ट थे राज साहब के, वो एक स्टूडियो फ्लोर पर, उन्होंने वो जो पुराना बड़ा माइक नहीं होता था शूटिंग का इतना बड़ा, तो उस पर मैंने 2-3 गज़लें गाई, उन्होंने रिकॉर्ड की। और दूर कोने में एक पिलर के पीछे ऋषि कपूर ऐसे सुन रहा था खड़ा होकर। गाना खत्म हुआ, हम दोनों ने हलो हलो किया एक दूसरे को, बस ठीक है। फिर राज साहब बोलते मुझे तेरी आवाज़ बहुत पसंद है, अब तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तो मैंने कहा शैलेंद्र सिंह। बोले वाह वाह, मेरे यार की याद दिला दी, सॉन्ग राइटर शैलेंद्र, जिन्होंने कितने गाने लिखे उनके लिए। तो राज साहब मुझे लेके गए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के घर पे, लक्ष्मी जी के घर पे, उनके म्यूजिक रूम में, JVPD स्कीम में। वहाँ जाके मैंने गाने सुनाए। प्यारेलाल जी ने बोला कोई फिल्मी गाना सुनाओ। अब मैं इतना नर्वस था कि मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के यहाँ बैठा हूँ और मैं फिल्मी गाना सुना रहा हूँ आर डी बर्मन का। तो वो गाना था वो बॉम्बे डगुआ का, देखा ना है रे सोचाना। और उनके म्यूजिशियन जो सिटिंग रूम के म्यूजिशियंस होते हैं, उनमें एक म्यूजिशियन था जो कॉन्गो बजा रहा था, जिसका नाम था राजेश रोशन, जो बाद में बहुत बड़ा कंपोजर बना। ही वॉज अ म्यूजिशियन विद लक्ष्मीकांत ग्रुप। गाना सुना, फिर राज साहब ने कहा कि भाई वो, हाँ ये बताना भूल गया मैं कि भाई जैसे मैं अंदर गया तो कौन कौन बैठा हुआ है। आनंद बख्शी साहब, प्रेमनाथ जी, और बड़ा बहुत बड़ा म्यूजिक रूम था लक्ष्मी जी का। तो फिर राज साहब ने कहा लक्ष्मी जी को वो गाना सुनाओ जो हमने बॉबी के लिए बनाया है। तो लक्ष्मी जी ने वो गाना सुनाया, मैं शायर तो नहीं, बहुत अच्छा गाना था, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने बोला कि इसको एक कैसेट पे रिकॉर्ड करके दो, और बोला बेटा तुम इसको याद करके रिहर्सल करके आना, हम दोबारा आपकी आवाज़ में ये गाना सुनेंगे। मैं घर गया, मैंने रिहर्सल की, और फिर नवरंग स्टूडियो होता था तुलसी पाइप रोड में, फेमस महालक्ष्मी के पहले लेफ्ट में। तो मीनू कातरक जो थे, जो फेमस वाले रिकॉर्डिस्ट थे, वो वहाँ चले गए थे। तो 5-6 म्यूजिशियंस के साथ ये गाना वहाँ पर रिकॉर्ड हुआ, सुना उन्होंने, फिर कुछ बातें करने लगे, फिर बोलते हैं कि ठीक है डिसाइडेड, तुम ही गाओगे ये सब गाने, और कल से तुम लक्ष्मी जी के यहाँ जाना रिहर्सल करने। तो 10-12 दिन मैं रोज़ जाता था रिहर्सल करने इस गाने की, और जब फाइनल हो गया तब नवरंग में ये गाना रिकॉर्ड हुआ। बॉबी गाने जब मैं गाता हूँ तो पैसे लेके गाता हूँ, तो आप ये तो मजाक था, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए आपको सुनाया था। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर हसी जब से देखा
मैंने तुझको मुझको आशिकी आ गई, मैं शायर तो नहीं। तो इस तरह से मेरा सिलसिला शुरू हुआ गाने का। लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं कि राज साहब हमेशा गाने से मुहूर्त करते थे और उसके बाद पार्टीज होती थी। तो दोपहर को हवन हुआ वही स्टूडियो में, और फिर रिहर्सल शुरू हो गई। फिर लक्ष्मी जी मेरे पास आए कि चलो भाई तुम्हें आशीर्वाद देने लता जी आई हैं। लता मंगेशकर, मैं तो दंग रह गया। मैं अंदर गया तो फिर पैर वैर छुए उनके, फिर हाँ बैठो बैठो, पूछती रहे भी कहाँ के हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, और धनाधन फोटोज खींच रही हैं। तो मेरे समझ में नहीं आया कि किसकी फोटो खींच रही हैं। बाद में चला कि मेरी कर खींच रही हैं फोटोज। फिर जब गाना टेक शुरू हुआ, तो टेक शुरू होने के टाइम हम नारियल तोड़ते हैं हमेशा हर गाने में, तो वो नारियल लता जी ने तोड़ा और वो फिर चली गई। तो जब लता जी का आशीर्वाद हो, राज साहब का हाथ हो सर पे, और लक्ष्मीकांत प्यारेला और आनंद बख्शी का साथ हो, तो गाने हिट कैसे नहीं होते। फिर इस तरह से शुरू हुआ मेरा करियर। देखिए संगीत जो रियाज होता है वो तो क्लासिकली होता है, फिल्मी गाना तो होता नहीं रियाज। और मेरे जो गुरु थे छोटे इकबाल साहब, उन्होंने में पहले फिल्मों में म्यूजिक दिया है, शम्मी कपूर की फिल्मों में, उनसे मुझे मिलवाने वाले कौन थे, मुझे एनकरेज करने वाले कौन थे, वो शंकर जी थे, शंकर जयकिशन के। तो मेरे गुरु को शंकर जी ने भेजा मेरे पास भी इसको गाना सिखाओ। तो मतलब कितना आशीर्वाद मिला मुझे। आई थिंक आई एम ए वेरी वेरी लकी पर्सन कि पहली फिल्म वो भी राज कपूर आर के बैनर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल टॉप में थे उन दिनों, आनंद बख्शी साहब, पहली फिल्म में डुएट गा रहा हूँ लता जी के साथ और मन्ना डे साहब के साथ। वैसे तो राज साहब के लिए कई लोगों ने गाना गाया, लेकिन इंट्रोड्यूस किसी को नहीं किया राज साहब ने एज सिंगर, वो मुझे किया। तो इसके लिए आज मैं जो भी हूँ, पहले तो वीपी साठे साहब जो मुझे ले गए वहाँ पे, एक जरिया होता है देखिए। तो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड मिस्टर वीपी साठे, और उसके बाद राज साहब जो मुझे, जिन्होंने चुना मुझे। तो आई थिंक आई एम ए वेरी वेरी लकी पर्सन एंड आई हैव नो रिग्रेट्स इन लाइफ। उन दिनों तो बहुत मुश्किल था सिंगर बनना, कोई खड़ा नहीं करता था, क्योंकि रफ़ी साहब, किशोरदा, मन्ना दे साहब, मुकेश जी, महेंद्र कपूर सभी थे, सभी गाना गा रहे थे। तो नए सिंगर को चांस मिलना मुश्किल था, इम्पॉसिबल था। आजकल बड़ा आसान हो गया उल्टा। तो मुझे चांस मिला बिकॉज ऑफ मिस्टर राज कपूर साहब, सिंपल सी बात है बस। आई डोंट नो, मुझे तो तकलीफ हुई नहीं कोई, क्योंकि स्ट्रगल मैंने जब नहीं की अब कर रहा हूँ। या तो आदमी पहले कर ले या बाद में कर ले, करनी तो पड़ती है स्ट्रगल। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि पहली फिल्म हिट थी, उसके बाद चिंटू के लिए काफ़ी गाने गाए मैंने, तो मुझे सेकंड गाना मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर मनमोहन देसाई थे, जिनको कौन नहीं जानता, उन्होंने मेरे गाने सुने लक्ष्मी जी के घर पे जब बॉबी बन रही थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये आवाज़ चाहिए, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ धर्म जी और रणधीर कपूर के साथ, तो मुझे डब्बू के लिए आवाज़ चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने बोला कि कैसे हो सकता है, वो तो राज साहब ने इंट्रोड्यूस किया है और उनकी तो फिल्म अभी बन रही है। वो गए राज साहब के पास और उन्होंने कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि डब्बू के लिए मैं शैलेंद्र सिंह, मुझे यह हो ही नहीं सकता, मैंने इंट्रोड्यूस किया है, मेरी फिल्म बन रही है अभी, जब रिलीज़ हो जाए उसके बाद। बोला मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी फिल्म पहले रिलीज़ होगी, मेरी बाद में होगी, और ये गाने बाहर नहीं आएंगे मार्केट में, बॉबी पहले आएगी। पता नहीं राज साहब क्यों मान गए। तो बॉबी जब बन रही थी तभी मैंने चाचा भतीजा फिल्म जो बनी उसके लिए गाने गाए डब्बू के लिए, और देखिए किस्मत, उस फिल्म में रफ़ी साहब के साथ मैंने डुएट्स गाए। मेरा तो मतलब मैं तो बचपन में रिकॉर्डिंग में देखता था रफ़ी साहब को गाते थे, मुझे यकीन नहीं हुआ कि रफ़ी साहब भी के साथ मैं गाना गाऊंगा। देखिए जब बॉबी के गाने हिट हुए तो ये अंडरस्टूड था कि मैं ही गाऊंगा ऋषि के लिए। तो खेल खेल में जब शुरू हो रही थी तो रमेश बहल ने, जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे बुलाया
और मैं तो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि आरडी बर्मन के लिए तो हर कोई गाना चाहता है और मुझे तो दूसरी फिल्म में ही मौका मिल गया गाने के लिए। तो पंचम दा के लिए मेरा ये पहला गाना था, हमने तुमको देखा। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे, हम तुम सनम सातों जन्म, मिलते रहे हो जैसे। देखिए कोई दिक्कत तो आई नहीं मुझे, अच्छा चल रहा था सब कुछ, बहुत फिल्में की मैंने, चिंटू के लिए बहुत गाने गाए, रफू चक्कर, फिर अपना खेल खेल में तो गाया ही था, और जहरीला इंसान, और उसके बाद लेटर इयर्स में अमर अकबर एंथनी, नसीब, ज़्यादातर मनमोहन देसाई की फिल्में मैंने काफ़ी गाने गाए। जब ये शुरू हो रही थी सागर, तो रमेश सिप्पी ने मुझसे कहा कि भाई चिंटू के लिए तुम गाओगे सब गाने और कमल हासन के लिए बाल सुब्रमण्यम गाएंगे। मैं ठीक है, तो मुहूर्त हुआ मेरे गाने से, जाने दो ना डुएट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद बाकी गाने में मुझे नहीं लिया गया। अब इसका रीज़न क्या है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने पूछा सबसे लेकिन किसी ने सही जवाब नहीं दिया। आशा जी के साथ तो इतना आसान था गाना गाना, एक तो वैसे ही मजाक बहुत करती रहती हैं वो, और बिल्कुल लगा नहीं कि भाई आशा जी के साथ गाना गा रहा हूँ मैं। बड़ा इतना कम्प्लीटली मुझे एट ईज कर दिया उन्होंने कि कोई दिक्कत नहीं आई। इससे पहले भी मैं गा चुका था रफू चक्कर में आशा जी के साथ, तो प्रॉब्लम तो नहीं आई बिल्कुल भी किसी सिंगर के साथ, नहीं ना लता जी के साथ, ना मन्ना डे साहब के साथ, ना आशा जी के साथ, रफ़ी साहब के साथ, किशोरदा के साथ, कभी कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। नहीं वो तो मैं नहीं कह सकता कि क्योंकि उनसे तुलना मत करिए, वो ग्रेट थे। मैं तो नया नया सिंगर आया था, 19 साल का था जब मैंने पहला गाना गाया, तो वो लोग तो उनके साथ कंपेयर करना मेरे हिसाब से गलत होगा, क्योंकि वहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं सकते जो वो काम कर गए हैं। ऐसा काम कर गए सब लोग, और सबका अपना अपना अलग स्टाइल था। देखिए तो फिर मैं कहता हूँ कि आई एम वेरी लकी कि वैसे तो राज कपूर साहब की फिल्मों में कई लोगों ने गाया है, लेकिन इंट्रोड्यूस मुझे किया एज अ सिंगर, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड जो मैं हूँ आज राज कपूर साहब की वजह से ही हूँ। बिल्कुल पहली फिल्म जो मुझे मिली दैट वॉज दो जासूस। मैं आर के स्टूडियो तो रोज़ जाता था क्योंकि काम वाम कुछ था नहीं, तो राजेंद्र कुमार साहब जो मेरे उनको राजेंद्र कुमार साहब को पहला मेजर ब्रेक मेरे फादर ने दिलाया था। मेरे फादर शांताराम जी के, वी शांताराम जी के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे, तो उनसे बहुत सी दोस्ती थी। तो राजेंद्र साहब ने कहा कि भाई हीरो को फिल्म मिली कि नहीं अभी तक। मैं बोला नहीं, मैं कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ। बोला ठीक है तुम मेरे भाई की फिल्म कर, मेरे भाई फिल्म बना रहा है दो जासूस, उसमें मैं और राज साहब हैं और हमें एक नए जोड़े की ज़रूरत है। तो इस तरह से मुझे दो जासूस मिली, तो पहली फिल्म भी बड़ी आसानी से मिल गई। एग्रीमेंट मेरे फादर ने प्रोड्यूस की थी, तो उसमें मैंने काम किया था। और उसके बाद मेरे महमूद साहब से बड़े अच्छे रिश्ते थे, जो कॉमेडियन महमूद साहब, भाईजान जिनको हम बोलते थे, जिनको मैं सबसे बड़ा एक्टर मानता हूँ। उनकी दो फिल्मों में मैंने गेस्ट अपेयरेंस किए, एक थी जनता हवलदार और एक नौकर, जिसमें संजीव कुमार और जया भादुरी थे। और जनता हवलदार में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और योगिता बाली और जसरोधन। देखिए म्यूज़िक दिया था बंगाल के टॉप मोस्ट प्लेबैक सिंगर श्यामल मित्रा जी ने, और गाने लिखे थे गौरी प्रसन्न मजुमदार, मतलब जिनको आनंद बख्शी साहब भी मानते थे एज ए गुरु, मतलब ऐसे राइटर थे। इतने अच्छे गाने बने थे और मैंने अपने गाने खुद गाए थे। तो आपकी रिक्वेस्ट है तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा मैं सुना सकूँ। नदी जो दी बोले सागरे काछे आशबो ना ताकि हो, मेघ जो दी बोले आकाशेर बुके भाषबो ना
ताकि हो, इतना याद है मुझे। देखिए, रफ़ी साहब के साथ पहला गाना जो था मेरा, वो था फिल्म चाचा भतीजा। मैंने रणधीर कपूर के लिए गाया था, और जब मैं रफ़ी साहब से मिला तो मैंने जाके उनके पैर छुए, तो हंसने लगे, बोला आज भी बेटा रिवाज है पैर छूने का। मैं बोला हमने तो यही सीखा है रफ़ी साहब, तो बहुत खुश है। अब वो मुझसे पंजाबी में बात करते थे कि मैं ही पंजाबी हूँ, लेकिन मैं पंजाबी बोल नहीं पाता था, तो हमेशा बोलते थे ओ काके तू पंजाबी क्यों नहीं सीखता यार, तू पंजाबी सीख रहे। मैं बोला सीखूंगा, आपके साथ गाने गाऊंगा सीख लूंगा मैं। तो बहुत खुश हुए, और पहला गाना था कोई माने या ना माने, सच कह गए हैं लोग पुराने, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा। फिर वो गाते थे हाँ भतीजा, ऐसा कर गाना था कुछ, नहीं याद है मुझे। किशोरदा के साथ गाना गाना एक तो इतना मज़ा आता था, क्योंकि हंसते रहते थे हम लोग। और मुझे याद है लता जी ने तो एक दफ़े कहा था कि किशोर तुम मुझे हंसाना बंद करो, क्योंकि मेरा गला दर्द हो रहा है, मैं गाना नहीं गाऊंगी तो हंसाना बंद करो। तो मुझे ऐसे चुप बैठ गया, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब लता जी गा रही हैं, वैसे चुप बैठे हुए, तो गाते गाते लता जी ने उनको ऐसा देखा, फिर हंसी छूट गई उनकी। बोले मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैं तो चुपचाप बैठा हूँ। तो किशोरदा का ये था ना, और उन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर क्रिएट किया था। वो आते थे, बोले आओ नंदू आओ मेरे साथ आओ, ऐसे नंदू उंगली पकड़ो, और कोई नहीं होता था। उन्होंने एक ऐसा क्रिएट कर दिया कि ना, और नंदू की आवाज़ बच्चे की आवाज़ में बोलते थे, तो सब बोलते थे कि यार लगता था कि वाकई कोई है, वाकई कोई था नहीं। वो ऐसे नंदू को लेके लेके आते थे। मुझे याद है रॉबिन चैटर्जी महबूब के जो रिकॉर्डिंग से, बोले अरे वो कौन है, उसको बोला चुप बैठने वो नंदू को। तो वो नंदू को बोल रहे हैं देखो नंदू बेटा दादा बहुत नाराज़ हो रहे हैं रिकॉर्डिंग, अभी तुम चुप बैठो। हाँ ठीक है वैसे अपने ऊपर। तो इस तरह की हरकत वो इतनी करते थे, एक कैरेक्टर उन्होंने क्रिएट किया जबकि कोई था ही नहीं। तो उनके साथ गाना गाने में तो इतना मज़ा आता था, मैं क्या बताऊँ। वाह वाह, परवरिश फिल्म थी। हाँ यू राइट, अमित ने गाया था अमिताभ जी के लिए, और मैंने विनोद खन्ना के लिए गाया था। तो दो लाइन याद है वो सुना देता हूँ। जाते हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना, जाते हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना, ऐसा था कुछ। हाँ, बचपन से मैंने जिस सिंगर को पसंद किया है उनका नाम है मोहम्मद रफ़ी साहब, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने उनके साथ 10-12 गाने गाए डुएट्स। और मेरी तो कभी सोचा नहीं था कि मैं इनके साथ खड़ा होकर गाना गाऊंगा, लेकिन ये ऊपर वाले ने ऐसा कुछ किया कि 10-12 गाने उनके साथ गाए, और कमाल का एक्सपीरियंस था। इतने अच्छे सीधे साधे इंसान थे, कभी कोई लालच कुछ नहीं था उनके में, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। एंड एज सिंगर के बारे में क्या बोलूँ मैं, तो दुनिया जानती है ना। देखिए चेंज तो आता है, हर डेकेड के बाद एक चेंज आता है। जैसे 40s में फिल्में बनती थी वैसे 70s में नहीं बनती थी, वो चेंज आया था, अब भी चेंज आया है। तो मैं समझता हूँ चेंज के साथ साथ हर आर्टिस्ट को बदलना भी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस टाइप की फिल्में बन रही हैं आज, उन फिल्मों में आप पुराने टाइप के गाने तो दे नहीं सकते। तो जो नया स्टाइल आया है मॉडर्न स्टाइल, वो इन फिल्मों को सूट करता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेलोडी नहीं है और लिरिक्स ठीक नहीं है। देखिए अगर मेलोडी होगी तो आप कभी गाना भूलेंगे नहीं 25 साल तक भी। आज पुराने गाने क्यों याद रहते हैं हमको, क्योंकि मेलोडी होती थी, अच्छे लिरिक्स होते थे। आज वो चीज़ मिसिंग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो फिर से वो दौर आए, और ऐसा नहीं कि ये लोग कंपोज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन जो फिल्में बन रही हैं उसमें क्या गाना देंगे ये लोग। अमर प्रेम का गाना दे नहीं सकते आप आज के नई फिल्मों में। तो आई होप कि ये सर्कल पूरा हो,
और अच्छे लिरिक्स आए, अच्छे धुने बने और अच्छी फिल्में बने। फिल्में अच्छी बन रही हैं आजकल, जो नए डायरेक्टर्स बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अगर म्यूज़िक पे दें, ऐसी फिल्मों में मेलोडी क्यों नहीं हो सकती है? मेलोडी भी हो सकती है, अच्छे बोल भी हो सकते हैं, लेकिन अफसोस है कि ये वल्गैरिटी बहुत हो गई है लिरिक्स में, इसका मुझे बहुत अफसोस है। बाकी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सिंगर्स भी अच्छे हैं आजकल के, पर ये अफसोस है मुझे। आई होप वो मेलोडी और वो अच्छे लिरिक्स का दौर दोबारा आए। रफ़ी साहब को मैं बहुत मिस करता हूँ, मैंने उनके साथ 10-12 गाने गाए हैं, डुएट्स, उनका आशीर्वाद लिया है, उनसे सीखा है बहुत कुछ कि कैसे माइक पे गाते हैं। और क्या कहूँ भाई, एक अफसोस मुझे इसी बात का रहा कि वो चाहते थे कि मैं उनसे पंजाबी में बात करूँ, लेकिन मैं पंजाबी सीख नहीं सका, तो इस बात का मुझे बहुत अफसोस रहेगा। और बहुत लकी हूँ मैं कि मैंने उनके साथ काम किया, जिनको मैं बचपन से पसंद करता था, देखना चाहता था, और अल्टीमेटली मैंने उनके साथ गाने गाए। महेंद्र कपूर जी के साथ भी मैंने काफ़ी गाने गाए, और मेरे ख्याल से सोनी कोमी जी के म्यूज़िक में काफ़ी मैंने गाने गाए, और अमर अकबर एंथनी में भी उनके साथ गाया। बहुत ही अच्छे इंसान थे, जब मिलते थे ऐसे मिलते थे, और जिससे भी मिलते थे, वो पान वाला हो या ओला, सबसे ही मिलते थे। इतने अच्छे इंसान थे, गाते बहुत अच्छा थे। उनके जो पुराने गाने थे चोपड़ा साहब के लिए, वो इतने अच्छे गाने लगते थे मुझे, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। मैं हमेशा बोलता था उनको कि महेंद्र जी क्या गाने गाए आपने, वो तो नहीं बेटा, नहीं बेटा, बहुत मेरे गुरु का आशीर्वाद है। गुरु कौन? मोहम्मद रफ़ी साहब। मुकेश जी, वाह, एनदर गुड ह्यूमन बीइंग, गुड सोल, बिल्कुल भी किसी से कोई नाराज़गी नहीं, कोई जेलिसी नहीं, कुछ नहीं। एक दफ़े का वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ। जायंट्स इंटरनेशनल अवार्ड होते हैं, अभी भी होते हैं, नाना चुदासमा जो हैं उनके चेयरमैन हैं, तो वो अवार्ड मुझे मिला था, और उसका फंक्शन था ताजमहल होटल जो टाउन में है। तो वहाँ हम सब थे, राज साहब भी थे, मैं भी था, मुकेश जी भी थे। तो मुझे अवार्ड दिया और मुझसे कहा कि भाई 2-3 कुछ एक गाना सुनाओ। तो मैंने कहा कि भाई गाना कैसे गाऊँ, यहाँ तो कोई साधन ही नहीं है, कोई म्यूजिक कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। तो मुकेश जी ने बोला कि मेरा हारमोनियम यहाँ पर है, मैं बजाऊँगा। वो हारमोनियम लेके आए, मैं शायर तो नहीं गाया, और उन्होंने मेरे साथ गाना बजाया, मुझे सपोर्ट दिया। ऐसा कौन सिंगर करेगा आज, मुझे बताइए। तो इस टाइप के लोग थे ये पुराने लोग। किशोर दा के साथ गाना गाने का एक्सपीरियंस कुछ अलग था, हंसी मजाक, हल्ला गुल्ला, एटमोसफेयर इतना अच्छा होता था कि हम हंसी हंसी में गाने गाते थे। लेकिन वो भी चाहते थे, कई दफ़े मुझसे उन्होंने कहा कि शरेंद्र प्लीज़ मेरे साथ एक दिन खंडवा चलो। खंडवा से वो बहुत प्यार करते थे, जहाँ के वो रहने वाले थे। बोले एक दिन मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ खंडवा चल, तू, मैं, अमित सब जाएंगे वहाँ पे, नितिन को भी लेंगे, नितिन मुकेश। मैं बोला हाँ, आप जब बोलें किशोर दा, आई एम रेडी। लेकिन अफसोस वो जब नहीं रहे, उनकी डेथ के बाद मैं खंडवा गया, तो इसका मुझे अफसोस बहुत रहेगा। मैं चाहता था कि उनके साथ जाऊं, लेकिन ये हो नहीं सका, तो इस बात का मुझे बहुत अफसोस रहेगा। क्या हुआ था, 94 में मेरी शुगर बहुत बढ़ गई थी, डायबिटीज़, तो उसके लिए आई हैड टू बी हॉस्पिटलाइज फॉर 3 or 4 days। बस उसका नतीजा ये हुआ कि उसको हार्ट अटैक हो गया, उसकी बाईपास सर्जरी, उसका गला बैठ गया, वो अभी ज़िंदगी में गा नहीं सकता। और अभी देखिए, जब शोज़ की बात की हमने, तो पिछले दिनों कुछ इंक्वायरी आई थी शोज़ के लिए, तो बोला कि आप तो ठीक हैं। मतलब मुझे क्या हुआ, बोला मैंने फलाने से पूछा, तो उसने बोला कि अरे नहीं 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 नहीं, वो तो मर गए। एक ने बोला कि, बहुत बड़े प्रोड्यूसर का भाई है, मैं नाम नहीं लूँगा, एक ने बोला कि यार आप उसको लेके जा रहे हैं, वो तो उठ नहीं सकता, व्हीलचेयर पे, हम आपको सिंगर देते हैं। तो मैं परेशान हो गया हूँ ये बोल के, मुझे कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, मेरी कोई बाईपास सर्जरी नहीं हुई है, आई एम स्टिल एज यंग एज 16 years old, खत्म। आज मैं ऋषि जी का और डिवाइन मेलोडीज का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया। तो ऋषि जी, बहुत बहुत शुक्रिया टू यू एंड डिवाइन मेलोडीज, थैंक यू।